बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद लेक्चर नंबर 16। आई एम आसिफ मुनीर टीचिंग यू CSC 271 डेटाबेस सिस्टम्स। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर एंड वी डिस्कस्ड सेवरल फीचर like the constraints that are basically that was introduced in this integrity enhancement feature, and we discussed all the features that were basically introduced in these integrity enhancement feature set. Then we discussed the statements that are used to define different database objects, and specifically we discussed create table statement, alter table statement, and drop table statement. And then we discussed how we can create and drop indexes and what are indexes basically used for. Then we discussed about the views. That is a very important topic in database systems, and we learned how can we views created with the help of create view statement, and how a view can be destroyed or dropped using drop view statement. Then finally we discussed about view resolution, that how if we create a view, then how that view is basically finally translated into an equivalent SQL statement, and how DBMS convert that statement into an equivalent statement. And finally we learned about some restrictions that are basically involved with views, what are different kind of restrictions that could be basically make our work somewhat restricted. Dear students, we will start from where we left, and we were talking about view updatability. Now it's very important that as we discussed in our previous lecture about views, that views are a very important concept in database. Views के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हैं, हम उनके काम के हवाले से, मतलब जितना उन्होंने जिस किस्म का डाटा जो उनकी जॉब के स्पेसिफिक है, मसलन जो उनको अपनी रूटीन जॉब परफॉर्म करने के हवाले से भी चाहिए, जो 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 मतलब उनको डेटाबेस का पोर्शन चाहिए, मसलन एक टेबल में से चाहिए, एक टेबल के सर्टन कॉलम्स चाहिए, या इसी तरह मल्टीपल टेबल्स में से चाहिए, और जो है उसके मुख्तलिफ जो है कॉलम्स उनको चाहिए उसके अंदर, तो हम जो यूज़र होता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम उसके लिए व्यू क्रिएट कर देते हैं। और डेफिनेटली अब जितनी भी मतलब उसके ऊपर ऑपरेशंस हैं, मसलन डाटा के हवाले से देखें, एंड यूज़र की जब हम बात करते हैं तो एंड यूज़र विल ऑलवेज बी performing some DML statements, मतलब whether he will be using select statement या insert statement, कोई data, मतलब अब ये भी depend करता है कि मसलन कुछ users होंगे जिन्होंने records enter नहीं करने, कुछ users ने सिर्फ select करना है, just उन्होंने data view करना है, कुछ users हैं जिन्होंने select भी करना है, इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, तो डिपेंड्स के मतलब जो आपकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर जो एक जॉब है, एक रोल है उस यूज़र का, उसको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं अपना जो उसकी जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए हम जो है व्यूज़ क्रिएट करते हैं, और फिर हम डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो फिर उसको अलाउ करते हैं। अब जब सारा जब हम व्यूज़ के थ्रू उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, और देखें व्यूज़ को हमने ये भी कहा कि दे बेसिकली प्रोवाइड अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं कि जी व्यू जब वो हम एक्सेस व्यू की दे रहे हैं उनको,
तो मतलब उनको तो एक्चुअल टेबल का इल्म भी नहीं है, उनके हिसाब से वही टेबल है और हो सकता है वो जॉइन से मतलब वो व्यू आ रहा हो, मल्टीपल टेबल से उसके कॉलम सेलेक्ट होके आ रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें एंड यूज़र से हिडन है, ये उसको नहीं पता। वो तो सिंपली उस व्यू का नाम लिखेगा और उसमें से उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है सेलेक्ट करता है, तो वो उसके ख्याल में यही होगा कि ये एक टेबल है, एक डेटाबेस इसी तरह का है। तो मतलब ये एक तरह से फिर उसकी जो सिक्योरिटी है कि मसलन उनको तो एक्चुअल जो हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं उन तक एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं। अब अगला हमारा मसला ये है कि सपोज देयर कुड बी सर्टन यूजर्स विच नीड्स टू परफॉर्म बेसिकली सम इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑपरेशन, ठीक है जी, कोई इस किस्म के ऑपरेशन उन्होंने परफॉर्म करने हैं एंड वी हैव बेसिकली गिवन एक्सेस टू दोज यूजर्स ऑन व्यूज, तो देन अगर हम कोई व्यू को अपडेट करते हैं किसी भी फॉर्म में, हम कोई नई रो इंसर्ट करते हैं, हम कोई रो अपडेट करते हैं, हम कोई रो डिलीट करते हैं यूजिंग दैट व्यू, तो देन क्या होना चाहिए? अब व्यू तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, व्यू बेसिकली व्यू का डाटा जो है वो कहां से आ रहा है, वो हमने कहा था वो बेस टेबल्स में से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, या फर्ज करें इसका रिवर्स देखते हैं कि मसलन बेस टेबल था, फर्ज करें हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि वी हैव क्रिएटेड अ व्यू, क्रिएट व्यू एक्स वाई जेड, और हमने कहा जी एज सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टाफ टेबल वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003, एंड सपोज व्हेन वी क्रिएटेड दैट व्यू उसके अंदर सिर्फ तीन रोज ऐसी थी जो ब्रांच B003 वाली थी, लेकिन फर्ज करो बाद में स्टाफ के टेबल में चार एम्प्लॉयज और आ गए जो कि ब्रांच B003 में काम करते हैं, तो अब क्या होना चाहिए कि जो नई चार रोज आई हैं स्टाफ के टेबल में वो तो अब व्यू में नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब व्यू हमने जैसे कहा था कि व्यू जो है वो बेसिकली क्या है, रन टाइम पे क्यूरी की जाती है एक्चुअल बेस टेबल से और उसमें से रिजल्ट आता है। अच्छा, इसी तरह कोई रो अपडेट होगी, मसलन एक रो का एक स्टाफ था उसको ब्रांच B003 में जो था उसको शिफ्ट कर दिया उन्होंने B007 पे, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स कि उसकी रो अब उसमें शिफ्ट उसमें नजर नहीं आनी चाहिए। तो अब इट मीन्स कि जी कोई बेस टेबल में चेंज होता है तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर हम कोई व्यू के थ्रू कोई चेंज करते हैं तो वो बेस टेबल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड व्यू अपडेटेबिलिटी, कि जी हम कोई अपडेट अगर होती है कहीं भी एक तरफ, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि व्यू तो है ही डिपेंडेंट उसके ऊपर बेस टेबल के ऊपर, तो मसलन हम बेस टेबल में कोई चेंज करें तो वो हमें व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाए, और अगर हम व्यू के थ्रू कोई चेंज करें तो वो बेस टेबल में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब यही हमारा जो है पहला टॉपिक है व्यूज के हवाले से। तो ऑल अपडेट्स टू अ बेस टेबल आर इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन ऑल व्यूज दैट इनकंपस दैट बेस टेबल। सिमिलरली वी मे एक्सपेक्ट दैट इफ अ व्यू इज अपडेटेड देन द बेस टेबल्स विल रिफ्लेक्ट दैट चेंज। तो मतलब इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर यू हैव मेड सम चेंजेस इन द बेस टेबल एंड देर आर सम व्यूज दैट आर बेसिकली बेस्ड अपॉन दोज बेस टेबल्स, देन द चेंजेस दैट वर मेड इन द बेस टेबल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द व्यू। अगर मतलब उसमें वो रोज सेटिस्फाई कर नहीं है उस व्यू का जो वेयर क्लॉज है, डिफाइनिंग क्यूरी का जो वेयर क्लॉज है उसको, तो वो उसमें भी नजर आनी चाहिए। एंड सपोज यू हैव मेड सम चेंजेस, यू हैव परफॉर्म सम अपडेट ऑन बेसिकली द व्यू, देन दैट शुड बी बेसिकली एक्चुअली इन द बेस टेबल, क्योंकि आप व्यू जो है हमने कहा था इट्स अ वर्चुअल टेबल, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बेस टेबल, या बेस टेबल के अंदर से ही क्यूरी करके हम वहां पे रिजल्ट ला रहे हैं। तो अगर हमको इंसर्ट करते हैं नई रो सपोज व्यू के अंदर, तो इट मींस एक्चुअली वी आर इंसर्टिंग दैट रो इन टू द बेस टेबल, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस व्यू अपडेटेबिलिटी मींस के जी अगर हम उधर से देखें कि मसलन अगर बेस टेबल में चेंज किया कुछ भी, मसलन बेस टेबल में कोई नई रो इंसर्ट हुई, कोई अपडेट हुई, कोई डिलीट हुई, तो वो जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होना तो आसान है, उसमें इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है, ठीक है। कि मसलन फ़र्ज़ करो आपके बेस टेबल के अंदर नई रोज आ गई,
चार रोज नहीं इंसर्ट हुई। अब चारों की चारों जो व्यू की डिफाइनिंग क्यूरी है, और अब डिफाइनिंग क्यूरी का आपको पता होना चाहिए, मैं इसीलिए कहता रहता हूं कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या पिछली टर्म्स हैं अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो फिर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं होता। डिफाइनिंग क्यूरी क्या होती थी? डिफाइनिंग क्यूरी वो जो क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट जो में वो जो सिलेक्ट वाली होती थी वो डिफाइनिंग क्यूरी कहलाती है, जो उस व्यू को डिफाइन करती है कि वो व्यू किस क्राइटेरिया पे वो व्यू या वो रिजल्ट आएगा। तो डिफाइनिंग क्यूरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने कहा जी अगर आपने बेस टेबल के अंदर इफ यू इंसर्टेड सर्टन रोज, अब वो सारी की सारी रोज अगर डिफाइनिंग क्यूरी पे जो है वो को सेटिस्फाई करती हैं, वो जो वेयर क्लॉज है डिफाइनिंग क्यूरी का उसको सेटिस्फाई करती हैं, ट्रू रिजल्ट आता है उसके लिए, तो देन व्हाट विल हैपन कि जी अब जब भी कोई यूजर उस व्यू का एक्सेस करेगा तो इट मींस अगेन योर क्यूरी विल बी ट्रांसलेटेड और वो क्यूरी का रिजल्ट आएगा। एक्चुअली तो कहाँ से आएगा? वो तो आपके बेस टेबल से आएगा। तो इट मींस अब आपके व्यू के अंदर पहले अगर तीन रोज शो हो रही थी तो चार और होंगी, सात रोज शो हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह मैंने फर्ज करें जी एक, जैसे मैंने बताया कि उनमें से एक रो जो थी उसका पहले ब्रांच नंबर 00B003 था, उसको हमने चेंज कर दिया, उसको उन्होंने फर्ज करें भेज दिया जी कि आप ब्रांच B003 में आपकी ज़रूरत नहीं, आप ब्रांच B005 में चाहें, वहाँ पे एक बंदा कम है हमारे पास तो वहाँ आप जाके काम करें। तो इट मीन्स वी चेंज्ड अपडेटेड द ब्रांच नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो व्हाट विल हैपन, अब वो वाली रो जो है अब मजीद डिफाइनिंग क्यूरी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो इट मींस कि नेक्स्ट टाइम दैट व्हेन द व्यू विल बी एक्सेस्ड व्हाट विल हैपन कि जी आपकी वो रो उसमें व्यू के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, इसी तरह फर्ज करो एक आपका स्टाफ जो है वो छोड़ के चला गया, यू जस्ट डिलीटेड दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो कि ब्रांच नंबर B003 में था। तो ऑफकोर्स व्हेन देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दैट रिकॉर्ड, मतलब वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो देन व्हाट शुड हैपन कि जी आपका वो वाला रिकॉर्ड तो अब आपके रिजल्ट में नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब बेस टेबल के हवाले से कोई इश्यूज नहीं है कि वो जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन व्हेन वी मेक सम चेंजेस थ्रू व्यू तो देन वी हैव सम प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज अगर आपको हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने व्यू क्रिएट किया था जिसका नाम था स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट CNT, स्टाफ प्रॉप CNT, प्लीज़ इसको ज़रा आपने एक दफ़ा सामने देख लें बुक में से ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टाफ प्रॉप काउंट क्या था। स्टाफ प्रॉप काउंट में हम तीन चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे, हम स्टाफ नंबर सेलेक्ट कर रहे थे, ब्रांच नंबर सेलेक्ट कर रहे थे, और बेसिकली क्या था कि ये व्यू किसके लिए था कि हमें उस ब्रांच वाइज जो स्टाफ मेम्बर्स हैं वो कितनी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं हम उसका रिकॉर्ड रख रहे थे। ठीक है, कि हर ब्रांच के अंदर जो हर स्टाफ मेंबर है वो कितनी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है, एंड दिस व्यू वाज क्रिएटेड बाय अ डिफाइनिंग क्यूरी दैट वाज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम टू टेबल्स, जिसमें आपका एक स्टाफ का टेबल था और प्लस आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल था। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो ये व्यू है, अब इसमें ये है कि सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ रो। ठीक है, वी आर आस्क जी एक रो इंसर्ट करो कि हमारा जी ब्रांच नंबर जिसके, चूंकि इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं आपको पता है, इसमें एक एट्रीब्यूट है ब्रांच नंबर का, एक स्टाफ नंबर का, और एक आपका नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है। ठीक है, तो अब आप जब ये रो इंसर्ट करते हो कि यू आर आस्क टू इंसर्ट, मतलब थ्रू दिस व्यू, इस व्यू के थ्रू आप एक रो इंसर्ट करते हो, और वी अज्यूम कि जी आपको इंसर्ट का राइट है इस व्यू के ऊपर, तो द ब्रांच नंबर इज B003, द स्टाफ नंबर इज SG5, एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट स्टाफ मैनेजेस जो कि SG5 है वो 2 है। अब एक आप नया रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हो, तो व्हेन वी विल इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, तो इंसर्ट की क्यूरी आपके सामने, इट शुड बी वेरी सिंपल कि इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉप काउंट, ठीक है जी, स्टाफ प्रॉप CNT वैल्यूज B003 SG5 और 2। अब स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल सी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये करेगी क्या एक्चुअली? अब ये तो, अब मसला ये है कि ये तो कह रहा है कि जी हैव टू इंसर्ट टू रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर्टी फॉर रेंट
showing which properties ST5 manages. ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो properties हैं उनकी तो कोई डिटेल है ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है. मसला है ना कि प्रॉपर्टीज का तो जिक्र ही नहीं है, और काउंट का एक्चुअली तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर काउंट का तो कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, तो मतलब यू नीड टू इंसर्ट टू रिकॉर्ड्स जो के बेसिकली आपका जो है वो होना चाहिए कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है, और फिर जब उस पर एग्रीगेट फंक्शन काउंट का लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से हो जाएगा. इसी तरह अब अगली बात ये है कि जब प्रॉपर्टीज का पता ही कोई नहीं है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज का पता ही कोई नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहां पे तो हम जस्ट बता रहे हैं दो प्रॉपर्टीज, लेकिन आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट के जरा टेबल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आप देखें कि उसकी प्राइमरी की क्या है, उसकी प्राइमरी की तो प्रॉपर्टी नंबर है. तो अच्छा, अब जी इट मींस कि हम वी नीड टू स्पेसिफाई कि विच प्रॉपर्टीज दिस ST5 स्टाफ मेंबर इज मैनेजिंग. तो इट्स क्रिटिकल, मतलब आप ये काम नहीं कर सकते. ठीक है, आई होप कि आपको सिनेरियो समझ आ रहा है. ठीक है, अच्छा, लेट्स मेक सम चेंजेस. ठीक है, हम कुछ काम थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं इसको. ठीक है, अच्छा, व्हाट वी डू, वी चेंज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द व्यू. ठीक है, और चेंज क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम बजाय ये जो काउंट का जो है ना, जो हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया था व्यू के अंदर, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हम वहां पे प्रॉपर्टी नंबर ही की फील्ड ले आते हैं. ठीक है, अच्छा, तो लेट्स सी कि जी हम देखें क्या चेंज किया. हमने कहा जी क्रिएट व्यू स्टाफ प्रॉप लिस्ट, और इसको हमने कहा ब्रांच नंबर कॉमा स्टाफ नंबर कॉमा प्रॉपर्टी नंबर. वो जो काउंट था वो हमने खत्म कर दिया, जो काउंट स्टैरिक लगाया था वो खत्म कर दिया. एस, अब नीचे हमारी डिफाइनिंग क्यूरी आएगी, सिलेक्ट एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर कॉमा पी डॉट प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू पी डॉट स्टाफ नंबर. एंड अगेन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड. ठीक है, हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जी, जिसमें ब्रांच नंबर आपकी B003 है, स्टाफ नंबर अगेन जो है ST5 है, कॉमा जो आपका प्रॉपर्टी नंबर है दैट इज PG19. अच्छा, अब क्या होगा जी, शुड दिस क्यूरी वर्क, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें कोई इश्यूज नजर आए आपको? अब मसला ये है कि सपोज के जी आपका, हम चूंकि ये देखें, अब ये डाटा सपोज के जी वी एज्यूम के ये स्टाफ मेंबर एग्जिस्ट करता है पहले से, और उसका डाटा स्टाफ के टेबल में है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, कि वो जो स्टाफ मेंबर है ST5, उसका नेम भी गिवन है, उसका पोजीशन भी गिवन है, उसकी बाकी डिटेल्स भी हैं, उसकी ब्रांच नंबर भी B003 स्टाफ टेबल में है, लेकिन स्टिल दिस क्यूरी विल क्रिएट सम प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगे जरा अगेन, अगर आप देखें अपने प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले जो आपका टेबल है उसको देखें, तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में देखें प्रॉपर्टी नंबर है जो कि प्राइमरी की है, तो वो तो वैल्यू हमें मिल जाएगी जो आपकी इसमें आपने PG19 जो आपने सप्लाई की, तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर के लिए वैल्यू है. लेकिन अब इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल के अंदर देर आर नंबर ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स एज वेल, जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस है, उसका मतलब स्ट्रीट है, उसका सिटी है, उसका पोस्ट कोड है, फिर उसके नंबर ऑफ रूम्स हैं, उसका जो है आपका रेंट है. ठीक है, एंड सो ऑन के जी कौन सा स्टाफ इसको मैनेज कर रहा है, तो ये स्टाफ का तो चलो इधर से पता चल गया, लेकिन मसला ये है कि अब वो जो बाकी फील्ड्स हैं उनके लिए वैल्यूज कहां से आएंगी इस रिकॉर्ड के लिए. मसलन हमने प्रॉपर्टी नंबर तो फिल कर दिया उसके अंदर PG19, तो जो बाकी फील्ड्स हैं वो जो मैंने सारी गिनवाई हैं वो कहां से हम डाटा लाएंगे, तो वो तो इसके थ्रू नहीं हो सकता. और सपोज अगर आपने उनमें से कुछ फील्ड्स को नॉट नल कहा हुआ है, तो अब ये क्यूरी अगेन आपकी, क्योंकि जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये एरर देगी. एरर इसलिए देगी कि आप जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट की सिर्फ एक एट्रीब्यूट सपोज उसके लिए वैल्यू दे रहे हैं जो कि आपका प्रॉपर्टी नंबर है, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स और उनमें से फर्ज करें अगर कुछ नल थे भी, उनमें नल अलाउड थे लेकिन बाकियों में नल अलाउड नहीं था, जैसे रेंट है उसका देना फर्ज करें उसको नॉट नल कहा हुआ है, या नंबर ऑफ रूम्स हैं उनको नॉट नल कहा हुआ है, एंड सो ऑन.
तो देन व्हाट विल हैपन के इट दिस क्यूरी शुड शैल बी वायलेटिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को वायलेट कर रही होगी. और कौन से कॉन्स्ट्रेंट को जो है वो वायलेट कर रही होगी, कि वहां तो नॉट नल है एक एट्रीब्यूट, जैसे नंबर ऑफ रूम्स है वो आप बताओ कि वो नॉट नल होना चाहिए. तो हम इस क्यूरी के थ्रू, तो वी हैव नो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम जो नॉट नल कॉलम्स हैं उनको वैल्यूज कैसे सप्लाई करें. तो मतलब इस सारे सिनेरियो को समझाने का मकसद ये है कि जब व्यूज के थ्रू हम कोई जो अपडेट करते हैं तो देन देर आर सर्टन इश्यूज एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जी आपको देखना होगा कि कौन सा व्यू जो है वो अपडेटेबल है और कौन सा व्यू अपडेटेबल नहीं है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि जी हम व्यू को सिंपली, मतलब हर सूरत में जरूरी नहीं है कि हम व्यू के थ्रू जो है वो कोई चेंजेस कर सकें, इंसर्ट की कमांड लगा सकें या अपडेट की लगा सकें. तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट, बट वी नीड टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जी इन विच सर्कमस्टांसेस दिस व्यू विल बी अपडेटेबल. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ ISO स्टैंडर्ड जो है ना, दैट स्पेसिफाइज कि जी कब कब जो है व्यू जो है वो अपडेटेबल है. और मतलब देर आर सर्टन कंडीशंस कि जी कब कब किसी व्यू के थ्रू आप जो है वो अपडेशन कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर आप बेस टेबल्स में चेंज करते हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उनमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन व्हेन यू विल बी अपडेटिंग थ्रू अ व्यू तो देन देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. और कीप इन माइंड कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखें कि जो यूजर्स हैं हम उनको टेबल्स तक तो एक्सेस दे ही नहीं रहे, हम उनको किसके थ्रू एक्सेस दे रहे हैं, हम उनको व्यूज के थ्रू एक्सेस दे रहे हैं. और हर यूजर का जितने उसकी जॉब की स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक उसको हमने डेटाबेस के उन स्पेसिफिक टेबल्स या उनके चंद कॉलम्स को मिला के ज्वाइन श्वाइन लगा के हमने उनको एक्सेस दिए, उनके लिए एक व्यू क्रिएट किया. तो अब मतलब अगर कोई किसी के जॉब रोल ऐसा है कि वो नहीं रोज इंसर्ट कर सकता है, वो रोज को अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, तो वो तो अब डेफिनेटली जब उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इट मींस के उसने जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये उसी व्यू को यूज करते हुए करने हैं. तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका आपने फिर ऐसा इस अंदाज में वो व्यू क्रिएट करना है या उसको देखना है कि आपका अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है कि उसने व्यू को अपडेट करना है तो देन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जी आपने फिर उसको किस किस्म के व्यूज देने ताकि अपडेटेबिलिटी में कोई इशू ना आए, ताकि वो जो भी अपडेट्स के हवाले से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है वो करे. Now there are certain conditions जो के मतलब updatable view के लिए हैं कि जो ISO specify करता है. ISO specifies that a view is updatable if and only if, कि अगर ये conditions वो follow करता है तो then we can say कि that view is updatable. The first one is distinct is not specified. जो आपकी defining query है उसके अंदर distinct नहीं specify हुआ, means that is duplicate rows must not be eliminated from the क्यूरी रिजल्ट्स. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट अगर आ गया तो देन फिर अपडेटेबल नहीं होगा वो व्यू. ठीक है, दूसरी बात, एवरी एलिमेंट इन द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी इज अ कॉलम नेम. ठीक है, मींस के आपने सिर्फ वो जो डिफाइनिंग क्यूरी आप व्यू क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट में लिखते हैं वो उनके अंदर जो एट्रीब्यूट होने चाहिए वो कॉलम्स ही होने चाहिए, कॉलम नेम्स ही होने चाहिए. इट शुडंट बी अ कॉन्स्टेंट, एन एक्सप्रेशन और एन एग्रीगेट फंक्शन. क्यों? क्योंकि मतलब देखें ना कॉन्स्टेंट डेटाबेस में सेव होता है, टेबल के अंदर स्टोर होता है, ना कोई एक्सप्रेशन स्टोर होता है. मसलन जैसे आपको जी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये एक्चुअली टेबल के अंदर स्टोर्ड नहीं है, फील्ड तो सैलरी स्टोर्ड है. तो सपोज अगर आपने कोई इस किस्म के मतलब अगर आपने व्यू के अंदर डिफाइन ये चीज़ें कर दी डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर, तो जब आप व्यू के ऊपर इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इट मींस यू नीड टू सप्लाई द वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एंड देयर इज नो एट्रीब्यूट फॉर दिस एक्सप्रेशन दैट इज अवेलेबल इन द टेबल. सो ये चीज नहीं हो सकती. ठीक है, या कोई एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा कि वो जो काउंट वाली थी, अब काउंट का एक्चुअल एट्रीब्यूट तो नहीं एग्जिस्ट करता ना स्टाफ के टेबल में या प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में, वो तो हमने जस्ट एक एग्रीगेट फंक्शन लगा के वो कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था कि ये जो है हमारी कंप्यूटेड फील्ड थी एक.
ठीक है, तो अब जब इंसर्ट करना है तो इंसर्ट जब करेंगे तो वो तो फिर आपका, आपने देखा था कि उसमें क्या इशू आ रहा था हमारे पास, ठीक है, कि हमें तो वो बताना पड़ता था कि कौन सी प्रॉपर्टीज वो मैनेज कर रहा है, नॉट द नंबर. नंबर तो उधर कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं जो नंबर को स्टोर कर रही है. अच्छा, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी है उसकी सिलेक्ट लिस्ट के अंदर किसी किस्म का जो है ना कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ना एक्सप्रेशन होना चाहिए, ना एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए, एंड द कॉलम नेम्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस. ठीक है, और एक कॉलम एक से ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए. ठीक है जी, एक दफा ही आना चाहिए. दूसरी है हमारी जो है व्यू अपडेटेबल होने की कंडीशन है. ठीक है, दो हमने, एक डिस्टिंक्ट सिलेक्ट के अंदर नहीं यूज करना, मतलब अगर आपने डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर डिस्टिंक्ट यूज किया तो फिर आपका अपडेटेबल व्यू नहीं होगा. दूसरी चीज, आपकी जो सिलेक्ट लिस्ट है डिफाइनिंग क्यूरी की उसके अंदर आपके एग्रीगेट फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स या एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, सिंपल कॉलम्स होने चाहिए जो किसी टेबल के हों, मसलन चाहे किसी एक जो भी टेबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके कॉलम्स हों, और एक जो एट्रीब्यूट है इट शुड अपीयर ओनली वंस. ठीक है जी. अच्छा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द फ्रॉम क्लॉज स्पेसिफाइज ओनली वन टेबल. ये अगर, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी थी, आपको याद होगा अगर पिछले लेक्चर जो व्यूज के वाले से हमने, अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि व्यू के जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जी फ्रॉम क्लॉज शुड स्पेसिफाई ओनली वन टेबल. ठीक है, द व्यू मस्ट हैव अ सिंगल सोर्स टेबल फॉर विच द यूजर हैज द रिक्वायर्ड privileges. If source table is itself a view, then the view must satisfy these conditions. के मतलब आपका हमेशा जो जब अगर आप चाहते हैं कि आपका view updatable हो तो then it should include only one table in its from class, right? Or suppose you have created a view from a view. के मसलन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने पहले एक view create किया, उस view के ऊपर एक और view create कर दिया, तो अब again इसमें भी शर्त यह है कि जो पहले वाला व्यू है उसके जो फ्रॉम क्लॉज है डिफाइनिंग क्यूरी का उसके अंदर भी एक ही टेबल होना चाहिए. तो मतलब ये तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट है. अब कीप इन माइंड के जी इट देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट एक्सक्लूड्स एनी व्यूज बेस्ड ऑन जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस. तो मतलब कोई भी ऐसा व्यू विच इंक्लूड्स मल्टीपल टेबल्स और ऑपरेशंस, कौन कौन से मल्टीपल टेबल्स वाले, जैसे जॉइन हो गया, जैसे आपका यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, मतलब इट ऑलवेज इंक्लूड मोर देन वन टेबल, राइट? सो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर फिर आपका व्यू अपडेटेबल नहीं हो सकता. मतलब आप देखें व्यू बना सकते हैं, व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं थ्रू व्यू तो देन ये फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा उस व्यू के थ्रू. The where clause does not include any nested selects that reference the table in the from clause. तो मतलब जो आपकी defining query है उसके अंदर जो where clause है उसके अंदर एक और nested आपकी कोई select ना लगी हो जो कि again जो आपके from clause के table को reference कर रही हो, तो ये भी अगर इस किस्म का scenario है तो then again you are not allowed to basically update through that view. फिर आपका view updatable नहीं हो सकता. और आखिरी जो आपकी कंडीशन है दैट इज देयर इज नो ग्रुप बाय आर हैविंग क्लॉज इन द डिफाइनिंग क्यूरी. और अगर आपकी डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर सपोज ग्रुप बाय आप यूज कर लेते हो या हैविंग यूज कर लेते हो, और हैविंग तो तभी होगा ना जब आपका ग्रुप बाय होगा, तो अगर आपका ये क्लॉज आ जाते हैं तो देन अगेन दैट व्यू विल नॉट बी अपडेटेबल. अब कीप इन माइंड के जी आपका ये तो स्पेसिफिक कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे हमने पिछली अपने सिनेरियो में डिस्कस किया था कि इन एडिशन एवरी रो दैट इज एडेड थ्रू द व्यू मस्ट नॉट वायलेट द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ द बेस टेबल. कि जी आपके इसके अलावा जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कि मसलन फर्ज करें आपका व्यू जो है अगेन व्यू इज अगेन अ टेबल रिलेशन है, लेकिन और नेम्ड रिलेशन है अगेन, ठीक है, लेकिन वो डिराइव्ड रिलेशन है, वो आपका एक बेस टेबल से डिराइव हुआ है. तो जो हमारे रिलेशन या टेबल के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के हवाले से, तो वो स्टिल उस व्यू के ऊपर भी होते हैं. तो आपके किसी किस्म का मसलन अगर हम एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट की बात करें तो मतलब डुप्लीकेट प्राइमरी की नहीं आ सकती, कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं है तो आप फिर उसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. ब्लैंक का मतलब यही है कि उसकी नल वैल्यू आप वहाँ एज्यूम कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता. तो मतलब इट शुड बी वेरी क्लियर
कि जी आपके इन सारे जो स्पेसिफिक कंडीशंस है उसके अलावा ये कंडीशन भी आखिर में स्टिल भी ये भी देखी जाएगी कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी किस्म का इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जो है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। तो मसलन जैसे फर्ज करो हमने चेंज कर दिया था ना, आपने देखा था हमने क्या किया, हमने उस व्यू को काउंट उसमें से निकाल के हमने उसको अपडेटेबल बनाने की कोशिश की थी। तो हमने क्या किया था, हमने उसका काउंट का जो एग्रीगेट फंक्शन था वो खत्म करके उसकी जगह प्रॉपर्टी नंबर ले आए थे, लेकिन उसमें भी हमें स्टिल प्रॉब्लम आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के बाकी एट्रीब्यूट्स हैं जो नॉट नल हैं, जिनके लिए वैल्यू सप्लाई करना मस्ट है, रिक्वायर्ड डाटा वाला वो जो कॉन्स्ट्रेंट है इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर के अंदर, तो वो जो है वो आपका इट मीन्स के वी शुड सप्लाई द वैल्यूज फॉर दोज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन व्यू के थ्रू तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ उस व्यू के तीन एट्रीब्यूट्स को ही एक्सेस थे। तो जब तीन ही एक्सेस है तो इट मींस कि हमारे ख्याल में तो वही आपका जो पूरा टेबल है वो इन्हीं तीन एट्रीब्यूट्स के ऊपर एग्जिस्ट, मतलब बेस करता है या वो एग्जिस्ट करता है इसके ऊपर। तो आपको ये सारी कंडीशंस का पता होना चाहिए, अगर कोई भी इनमें से आप वायलेट करते हैं तो देन योर व्यू इज नॉट अपडेटेबल, राइट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन जो जो हम आगे जाएंगे डेफिनेटली यू वुड बी क्लियर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर आप साथ साथ इन चीज़ों को समझ लेते हो तो देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, अब ऐसा है कि हम फिर अगेन अपडेटेबल व्यू की एक डेफिनेशन जरा करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी बातें जो है हमने की हैं इसको समरी या इसका सम अप करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं। तो अपडेटेबल व्यू की अगर डेफिनेशन एक सादा अल्फाज में करना चाहें, इसको रीडिफाइन करना चाहें हम, तो वी कैन से कि फॉर अ व्यू टू बी अपडेटेबल द डीबीएमएस मस्ट बी एबल टू ट्रेस एनी रो बैक टू इट्स रो और एनी कॉलम बैक टू इट्स कॉलम इन द सोर्स टेबल। बहुत सादा से अल्फाज में ये बात है, और बात यह है इसको समझ लें, ऐसे इसको ऐसे समझें कि आप देखें व्यू बनता किससे है, व्यू का जो डाटा है वो कहां से आता है, वो बेस टेबल में से आता है या सोर्स टेबल में से आता है। इट मींस कि जी अगर हम ये चाहते हैं कि एक रो जो आई हमारे पास कोई भी, अगर वो व्यू में हमें नजर आ रही है तो इट मींस वही रो कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए जो है टेबल के अंदर भी, उसी सोर्स टेबल के अंदर भी। तो अगर हम उसको ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टेबल टू व्यू और बैक फ्रॉम व्यू टू सोर्स टेबल, तो मतलब और वो दो चीजों के लिए, किसी भी रो के लिए या किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, यू कैन से दैट व्यू विल बी अपडेटेबल। तो इट्स कुड बी डिफाइंड इन सच सिंपलर वर्ड्स के जी आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा आसान लगेगी, आपको बात समझ आ जाएगी कि अगर हम वो ट्रैक कर पा रहे हैं, वापस उसको ट्रेस कर पा रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। इट मींस कि वही रो आप उधर से उधर जाएं तो उधर भी मिल जाती है, और वापस आप उसको उसके जो है वो निशानात देखते हुए वापस चले जाएं उस तरफ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो विद चेक ऑप्शन है, अब चूंकि कुछ हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में व्यू क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट के हवाले से कवर किया था, तो कुछ चीज़ें उधर हमारे पास थी, तो अब विद चेक ऑप्शन आखिर में आ रहा था आपका, ठीक है। तो विद चेक ऑप्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अब कीप इन माइंड कि जी ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई होप कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी इसका क्या रोल है। Now keep in mind row exist in a view because they satisfy where condition of the defining query. कोई भी row आपको जो view में नजर आ रही है, मसलन आप select static from the view name, मतलब उस view के data को जब access करते हैं, और हमने आपको याद हो कि जो view resolution को देखा था, view resolution क्या था कि जब हम actually view को access करते हैं तो वो query आपकी translate होती है, translate किस में होती है, बैक टू द ओरिजिनल के जी वो डिफाइनिंग क्यूरी वो जो तकरीबन आपकी थी उसको मिला के फिर आपकी वो क्यूरी जो है वो उसके साथ, ताकि मतलब एक्चुअली उन टेबल्स में से किन में से वो डाटा आ रहा था उसमें ट्रांसलेट होती है। डीबीएमएस तो इसी तरह काम करता है ना, हमने बड़ा डिटेल से देखा था व्यू रेजोल्यूशन के अंदर। तो
समझने की बात यह है कि जो आपके व्यू के अंदर कोई भी रो नजर आ रही है वो तभी नजर आ रही है जब वो डिफाइनिंग क्यूरी का जो वेयर क्लॉज है, तो वेयर क्लॉज में जो रो वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करती है वही वाली रो जो है आपके क्यू में नजर आएगी. इट मींस कि जी इफ अ रो चेंजेस एंड नो लॉन्गर सेटिस्फाइज द कंडीशन इट डिसअपीयर्स फ्रॉम द व्यू. ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए कि मसलन जैसे फर्ज करें हमने व्यू क्या क्रिएट किया था. सपोज कि हमें शुरू का जो हमने व्यू क्रिएट किया था, हमने कहा जी हॉरिजॉन्टल रो एक व्यू हमने क्रिएट किया था कि सेलेक्ट सपोज हमने सारे कॉलम सेलेक्ट कर दिए स्टाफ से वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003. मसलन एक व्यू हमने शुरू में ये क्रिएट किया था, आपको याद है मैनेजर 3 स्टाफ के नाम से. अच्छा, इट मींस के अब सिर्फ वही रोज आएंगी व्यू के रिजल्ट में जो वेयर क्लॉज ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. What does it mean? कि जिन लोगों का ब्रांच नंबर B003 है वही वाली रोज आएंगे. लेकिन फर्ज करो उनमें से एक स्टाफ मेंबर था, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि उसके ब्रांच नंबर को हम चेंज कर देते हैं, उसको हम B003 से B007 कर देते हैं, तो क्या होगा? इट मींस के दैट रो इज नॉट सेटिस्फाइंग द वेयर क्लॉज ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी एनी मोर, देन इट शुडंट बी विजिबल इन बेसिकली व्यू. ठीक है, तो अब इसी तरह फर्ज करो आपकी कुछ नई रोज आए. ठीक है, आपने इंसर्ट या अपडेट किया और वो रोज जो हैं आपकी कुछ नई ऐड हो गई या अपडेट होके ब्रांच B003 कर दिया गया, तो अब देर विल बी दीज न्यू रोज अवेलेबल इन द व्यू. कि जी आपकी ये नई रोज जो है आपने इंसर्ट की अपडेट की जिनका ब्रांच नंबर फर्ज करो B005 था, एक बंदा B005 में काम करता था उसको उठा के उन्होंने कहा जी B003 में आ जाओ आप. ठीक है, तो अब वो रो भी अब आपके व्यू में नजर आनी चाहिए. तो इट मींस इसी तरह जो आपकी कुछ रोज ऐड हो सकती हैं व्यू के अंदर, कुछ जो है वो वापस जा सकती हैं. तो एनी रोज दैट एंटर आर लीव द व्यू दे आर कॉल्ड माइग्रेटिंग रोज. ठीक है, तो इस किस्म की रोज को आप क्या कहते हैं? जो माइग्रेट कर जाती हैं, बाज़ का तो वो व्यू में नहीं थी, व्यू में आ गई, व्यू के अंदर थी और व्यू से चली गई. ठीक है, तो विद चेक ऑप्शन जो है वो यही काम करता है कि विद चेक ऑप्शन प्रोबिट्स अ रो माइग्रेटिंग आउट ऑफ द व्यू. तो अब हमें खुद से वो सिचुएशन देखनी पड़ेंगी कि कब हमने इस किस्म का चेक लगाना है कि वो फिर रोज को माइग्रेट नहीं करने देगा, रोज को माइग्रेट जो है वो करने से रोकेगा. लेकिन ये कुछ मतलब बड़ा ही स्पेसिफिक आपके जो है वो कंडीशंस होंगी, उसके ऊपर जो है आप जो है ये विद चेक ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे. लेकिन हम इसको समझ लेते हैं, फिर आपका जहाँ पे कोई सिनेरियो हो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई करना है या नहीं. लेकिन कीप इन माइंड कि विद चेक ऑप्शन प्रोबिट्स अ रो माइग्रेटिंग आउट ऑफ द व्यू, कि वो उसको व्यू से माइग्रेट करने नहीं देती, लेकिन आने वाला का इतना प्रॉब्लम नहीं है कि वो आने देगा. अगर कोई बेस टेबल में चेंजेस होते हैं तो वो जाने इतनी आसानी से नहीं देगा. ठीक है जी. अच्छा, अगर आप इसकी क्रिएट स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें आपको विद चेक ऑप्शन के साथ दो और ऑप्शंस नजर आती थी, वो एक लोकल की थी और कैस्केडेड की थी. ठीक है, लेकिन ये जो लोकल और कैस्केडेड है दे अप्लाई टू द व्यू हायरार्कीज. अब इनका कुछ खास रोल है, हम उनको देख लेते हैं. विद लोकल, अगर लोकल के हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, एनी रो इंसर्ट और अपडेट ऑन व्यू एंड एनी व्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफाइंड ऑन दिस व्यू मस्ट नॉट कॉज रो टू डिसअपियर फ्रॉम द व्यू अनलेस रो आल्सो डिसअपियर्स फ्रॉम द डिराइव टेबल आर द टेबल. तो इट मींस के जी अगर आपने लोकल की ऑप्शन यूज की और विद चेक लोकल आपने किया, तो जो ये ऑप्शन है ये आपकी रो को व्यू से डिसअपियर नहीं होने देगी अनटिल अनलेस आपके वो जो जिस व्यू से आपने डिराइव किया हुआ है या जिस टेबल से आपने ये व्यू डिराइव किया हुआ है, अगर उसमें से भी वो निकल नहीं जाती. और ऑन द अदर हैंड जो कैस्केडेड वाली ऑप्शन है दैट इज द डिफॉल्ट वन. एनी रो इंसर्ट अपडेट ऑन दिस व्यू एंड ऑन एनी व्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफाइंड ऑन दिस व्यू मस्ट नॉट कॉज रो टू डिसअपियर फ्रॉम द व्यू. तो मतलब वो तो किसी सूरत में जो है वो इसको व्यू से नहीं जाने देगा. तो इसको अब ये थ्योरेटिकली इनको जरा समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इनको एग्जांपल्स के थ्रू जब हम देखेंगे तो आई होप इट वुड बी क्लियर. सपोज दिस इज एन एग्जांपल
कि यू आर आस्क है जी क्रिएट व्यू मैनेजर थ्री स्टाफ एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003 और विद चेक ऑप्शन. ठीक है, अब आपने ये विद चेक ऑप्शन स्पेसिफाई कर दिया. पहले हमने सिर्फ व्यू क्रिएट किया था ना मैनेजर थ्री स्टाफ का, अब हमने इसके साथ विद चेक ऑप्शन भी कर दिया. अब ये देखें ये कौन सा है विद चेक ऑप्शन, इट मींस के डिफॉल्ट कौन सा है. जब आप नहीं वो ऑप्शंस यूज कर रहे लोकल और कैस्केडेड में तो कैस्केडेड डिफॉल्ट है. अब आप फर्ज करो आप ये करते हो कि अब कोई भी, अब देखें इसमें कौन सी इस व्यू में रोज एक्सेसिबल होंगी, सिर्फ ऐसी रोज जिनके ब्रांच नंबर B003 है. ठीक है, तो सपोज यू राइट एन अपडेट कमांड और इन अपडेट कमांड मसलन फर्ज करो कि यू अपडेट स्पेसिफिक रो किसी भी एक स्टाफ मेंबर की जो इस व्यू के अंदर है और आप उसकी ब्रांच को चेंज करते हो B003 से B002 पे, तो कैस्केड क्या करेगा, अलाउ करेगा कैस्केडेड ऑप्शन? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर हमने उसकी ब्रांच B003 से B002 कर दी तो इट मींस वो इस व्यू में से माइग्रेट कर जाएगी. ठीक है, इट विल गो आउट ऑफ दिस व्यू, राइट? तो ये काम तो नहीं अलाउ करता जो है वो आपका कैस्केडेड वाला. ठीक है, और जो आपकी विद चेक ऑप्शन है वो ये काम नहीं होने देगा. आल्सो अगर सपोज यू आर बेसिकली यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एनी रो दैट बेसिकली इन विच द ब्रांच नंबर इज नॉट इक्वल टू B003, मसलन फर्ज करो आप कहते हो इंसर्ट, आप सारा डाटा दे देते हो स्टाफ का, मसलन स्टाफ नंबर भी दे देते हो, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी बाकी कंडीशंस, मतलब कोई भी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आप जो है वो वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ब्रांच नंबर आप B003 नहीं दे रहे, तो अब इस किस्म की भी ये रो चूंकि ये व्यू में नहीं जाएगी, ये एक्चुअली बेस टेबल में जानी चाहिए ना, तो अब चूंकि हमारी ऑप्शन जो है वो कैस्केडेड की है तो कैस्केडेड किसी किस्म का इस किस्म की जो है वो जो है वायलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता कि जिसमें वो रो माइग्रेट कर जाए आउट ऑफ द व्यू. तो मतलब ये भी आप इस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोई भी ऐसी रो इंसर्ट करते हैं जो ब्रांच नंबर B003 की है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, या किसी और स्टाफ मेंबर को आप अपडेट कर देते हो और उसका ब्रांच नंबर B003 कर देते हो तो वो एक्सेप्टेबल होगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये विद चेक ऑप्शन विद लोकल था. ठीक है, अच्छा अब हम कैस्केडेड को देखते हैं. ठीक है, और मतलब लोकल को इन फिर दो सॉरी कैस्केडेड हमने देख लिया, अब हम जरा लोकल को देखते हैं. लोकल को देखने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि उसमें चूंकि वो ये था कि अगर आपका रो वो तब माइग्रेट होगी जब वो एक्चुअल टेबल से जिससे आपने वो डिराइव किया या जो व्यू है वो जिससे आपका वो डिराइव हुआ है व्यू उसमें भी ना रहे तो फिर आपका वो अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. मसलन फर्ज करें आपने एक जो है वो व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू लो सैलरी एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 9000. तो एक लो सैलरी का आपका व्यू क्रिएट हो गया जिसमें आपने सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनकी सैलरी 9000 से ज्यादा है. अब आपने एक और व्यू क्रिएट किया हाई सैलरी का एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और इनको उन लोगों में से इसका फ्रॉम क्लास देखें तो जरा गौर से देखें इसमें लो सैलरी है. इट मींस कि आपका ये जो व्यू है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस व्यू. तो आपने जो इसका डाटा सारा सिलेक्ट हो रहा है वो फ्रॉम लो सैलरी से हो रहा है वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000. लेकिन इसमें ऑप्शन आपने क्या दे दी, विद लोकल चेक ऑप्शन. ठीक है, इस पे आपने ये कंडीशन लगा दी कि विद लोकल चेक ऑप्शन मींस के कोई माइग्रेशन नहीं करने देनी आसानी से लोगों को. ठीक है, मतलब मींस के ऐसी रोज जो इस व्यू में जो नजर आ रही है फिर उनको वापस नहीं जाने देना इस व्यू से आउट. ठीक है, क्रिएट व्यू, एक तीसरा व्यू क्रिएट किया हमने, क्रिएट व्यू मैनेजर थ्री स्टाफ. अब मैनेजर थ्री स्टाफ का हमने किया एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम हाई सैलरी. अब हमने जो इस व्यू को क्रिएट किया दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस व्यू हाई सैलरी पे वेयर ब्रांच नंबर इक्वल टू B003. ठीक है, अब ये सिनेरियो आपके सामने है. ठीक है, तो अब ये सिनेरियो फर्ज आप देखें कि आपका जो मैनेजर थ्री स्टाफ है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द हाई सैलरी व्यू, और हाई सैलरी व्यू डिराइव किससे हुआ है, लो सैलरी से, और लो सैलरी एक्चुअली किस में से आ रहा है, स्टाफ के टेबल में से आ रहा है. लेकिन जो आपका हाई सैलरी है वो विद लोकल चेक ऑप्शन है. ठीक है, तो इसका इंपैक्ट आप देखते हैं कि मसलन हम फर्ज करें कि आपने अब
जो है मैनेजर थ्री स्टाफ का जो व्यू है उसमें अपडेट किया, उसमें आपने अपडेट किया जी अपडेट मैनेजर थ्री स्टाफ सेट सैलरी इक्वल्स टू 9500 वेयर स्टाफ नंबर इक्वल टू SG37 उसमें नजर आ रहा है। प्लीज जैसे मैं कहता रहता हूं कि आप इस किस्म की सिचुएशंस में अपने टेबल्स को सामने रख लिया करें ताकि आपको क्लियर हो कि आपके व्यू का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आपका एक एम्प्लॉय जो था SG37 वो रो में अपीयर हो रहा था, तो इट मींस उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा थी, ठीक है, तभी वो इस मैं व्यू में आ रहा था, क्योंकि हमारा जो हाई सैलरी था उसमें वेयर की कंडीशन क्या थी कि ऐसे तमाम लोगों का डाटा दिखाना है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये अपडेट हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, इसको सक्सेसफुल मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी अपडेट की स्टेटमेंट? नहीं होगी। क्यों? देयर इज अ रीजन। उसकी रीजन ये है कि अपडेट जो है इट वुड कॉज द रो टू डिसअपीयर फ्रॉम द हाई सैलरी, कि इसको हाई सैलरी में से तो ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई सैलरी में कंडीशन क्या थी 10,000 से ज्यादा होने चाहिए, तो 10,000 से तो ज्यादा नहीं है, तो इट मींस इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द हाई सैलरी व्यू। लेकिन जो लो सैलरी वाला व्यू है आपका उसमें तो ये रहेगी, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या थी 9,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इट्स स्टिल 9,500, ठीक है। तो अब इस किस्म की सिचुएशन में चूंकि लोकल की ऑप्शन थी, तो लोकल में ये था कि जब तक ऐसी रो इनमें से माइग्रेट नहीं कर सकती जो आपके ओरिजिनल जो मेन जो जितने भी इसके डिपेंडेंट हैं, मसलन जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जो जिससे ये डिराइव हुआ या जो इसका मेन टेबल है उसमें से वो रो डिसअपीयर नहीं हो जाती, तो अनटिल अनलेस ये वहां से व्यू से माइग्रेट नहीं करने देती लोकल वाली ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अब पता चल गया होगा कि ये क्यों इसको, क्योंकि ये हाई सैलरी में से तो निकल जाएगी लेकिन लो सैलरी में स्टिल मौजूद होगी, तो लो सैलरी में मौजूद है तो जो मैनेजर थ्री स्टाफ है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली तो आ किससे रहा है, वो लो सैलरी से ही आ रहा है, ठीक है, तो उसमें मौजूद है तो ये उसको वो नहीं करने देगा। हाउएवर इफ अपडेट ट्राई टू सेट सैलरी टू 8,000 अपडेट वुड सक्सीड, अच्छा अगर हम उसके जो है ना 8,000 कर दें तो ये सक्सीड मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो है आपके लो सैलरी वाले व्यू से भी निकल जाएगी आपकी ये, ठीक है, तो लो सैलरी जो है वो उसमें से भी निकल जाएगी, तो अब आपका जो व्यू दोनों में नहीं है, तो इसलिए फिर आपका जो है ये लो सैलरी में भी नहीं है, हाई सैलरी में भी नहीं है, तो इट मींस अगर वहां पे नहीं है तो देन इट दिस रो वुड बी अलाउड टू माइग्रेट आउट ऑफ द मैनेजर थ्री स्टाफ व्यू। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका यूज जो है वो बड़ी स्पेसिफिक मतलब वो सिचुएशंस के लिए होगा, तो यू हैव टू बी मतलब वो डिपेंड्स कि आपको इस किस्म की कहाँ पे सिचुएशंस दरपेश आती हैं, फिर उसके मुताबिक जो है आपने इस चीज़ को अलाउ करना है या नहीं करना। अच्छा अब हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि जी सपोज अभी तो हमने हाई सैलरी के अंदर जो है वो हमने लोकल की ऑप्शन यूज़ की थी ना, अगर हम उसको कैस्केडेड कर दें तो चाहे हम 9,500 अपडेट मतलब उसकी सैलरी करें या 8,000 दोनों करें, तो जो ये दोनों सूरतों में जो है आपकी ये क्यूरी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैस्केडेड ऑप्शन ये कहती है कि बस किसी भी सूरत में उस व्यू से जो है हमने वो रो जो है माइग्रेट नहीं होने देनी, ठीक है, तो मतलब इट वुड बी रिजेक्टेड बिकॉज द रो वुड डिसअपीयर फ्रॉम हाई सैलरी, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैनेजर थ्री स्टाफ है वो जो है उसमें से निकल रही है तो वो नहीं होने देगा, ठीक है जी। तो टू प्रिवेंट एनोमलीज लाइक दिस ईच व्यू शुड बी क्रिएटेड यूजिंग विद कैस्केडेड चेक ऑप्शन, तो मतलब आपने मतलब ये ना हो कि फिर आपकी वो रो उधर तो नजर आ रही हो और आपके बेस टेबल में या जो व्यू जिससे आपका वो आया है उसमें हो लेकिन व्यू में नजर ना आ रही हो, तो इस किस्म की आपने सिचुएशन को जो है वो अवॉइड करना है, इस किस्म की जो इनकंसिस्टेंसी को है वो अवॉइड करना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है हमेशा विद कैस्केडेड चेक ऑप्शन को यूज करें, ठीक है जी, तो अदरवाइज इट वुड बी बिट इनकंसिस्टेंट। व्यूज के
सर्टन एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, हमने मतलब इनको बड़ी डिटेल से पहले भी देखा था। आई होप कि आपको मैं जस्ट एक दफ़ा समराइज करूंगा चीज़ों को। कीप इन माइंड कि आप देखें, व्यूज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको बताया कि जब आप डेटाबेसिस की बात करते हैं तो व्यूज़ का जो जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और जैसे मैंने बताया कि जी आपके मुख्तलिफ जो यूज़र्स हैं, हर एक यूज़र के हवाले से जो है आपने व्यूज़ जो है वो बनाए होंगे, और उन्हीं व्यूज़ के थ्रू सारी वो है, चाहे वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, चाहे वो अपडेट है, चाहे इंसर्ट है, चाहे डिलीट है, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से वो सारे परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स, लेकिन जैसे मसलन देखें, एक सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट है जिसमें एक ही आपका डेटाबेस का यूज़र है, उसमें इतना मसला नहीं है, तो उसमें व्यूज़ का क्या इस्तेमाल होगा? उसमें व्यूज़ का इस्तेमाल सिंपली ये हो सकता है, फॉर कन्वीनियंस हो सकता है। कन्वीनियंस से मुराद क्या कि आपने मसलन बजाय ये कि आपने यूज़र के ईज़ के लिए, यूज़र की कन्वीनियंस के लिए आपने व्यूज़ यूज़ किए। व्यूज़ इसलिए यूज़ किए कि आपका जो मसलन फ़र्ज करें एक कम्प्लेक्स किस्म की क्यूरी थी, मल्टीपल टेबल्स में से डाटा आ रहा था, आपने क्या कर दिया, आपने एक व्यू उसको बना दिया जो कि जो कम्प्लेक्सिटी है वो आपने सॉल्व कर दी, जस्ट उस यूज़र को उस व्यू तक एक्सेस दे दी। अब उसको नहीं पता कि ये कितने टेबल्स में से कितनी कम्प्लेक्स क्यूरीज के पीछे काम कर रही है। तो मतलब व्यू जो है एक सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट में इस तरह आपके काम आएगा, लेकिन जो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है जहाँ पे डेटाबेस का मतलब एक्चुअल देखें आप तो मतलब डेटाबेस का जो चार्म है या जो उसका बेनिफिट्स हैं वो फिर उधर ही नज़र आते हैं, जब आपका मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं एंड दे आर बेसिकली एक्सेसिंग वो सेम डेटाबेस और सम टाइम्स एट द सेम टाइम, तो देन फिर आपको इसके फ़ायदों की बात के हवाले से हो तो वो नज़र आता है। तो जब उस एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं तो इट मतलब ये अब इधर व्यूज़ का पर्पज़ डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। इधर पहला जो पर्पज़ है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कि आपने जब मुख्तलिफ व्यूज़ मुख्तलिफ यूज़र ग्रुप्स के लिए बनाए ना, तो अब इट मींस कि यू आर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, के डेटाबेस किस किस्म का होगा फॉर डिफरेंट यूज़र्स। मतलब एक यूज़र को कुछ और आपने एक्सेस दे दी, उसका ये टेबल, उसके ये कॉलम्स, दूसरे को दूसरा टेबल, दूसरे कॉलम्स, जैसे मैंने बताया कि जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की उस हवाले से। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम व्यूज क्या करेंगे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में, सिक्योरिटी की लेयर एक ऐड करेगा कि इट मींस के हम एक्चुअल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो टेबल्स हैं हमारे उन तक तो एक्सेस ही नहीं दे रहे यूजर्स को, हम तो उनको जो है वो व्यूज तक एक्सेस दे रहे हैं। और व्यूज आपको पता है कि व्यूज तो हो सकता है वो सब पोर्शन हो, उसका सबसेट हो एक्चुअल डेटा का या टेबल का। तो मतलब ये थोड़ा सा इसका मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में एक डिफरेंट रोल है, और जो आपका सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट में इसका रोल डिफरेंट है। लेकिन स्टिल मतलब व्यूज़ के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने ऑलरेडी भी कवर किए थे, लेकिन हम फिर इधर एक दफ़ा समराइज इनको करेंगे। जो पहला है दैट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं व्यूज़। कैसे डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं? मसलन देखें, फ़र्ज़ करें आपने एक यूज़र ग्रुप के लिए एक व्यू क्रिएट किया हुआ था, वो फ़र्ज़ करें स्टाफ़ के टेबल में से था, स्टाफ के चंद आपने कॉलम्स हैं या जो है एट्रीब्यूट्स हैं उनको सिलेक्ट उसमें किया हुआ है, और वो आप जो यूज़र ग्रुप है उसको उस व्यू की एक्सेस दे रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें स्टाफ के टेबल में आपने चार नए कॉलम्स ऐड कर दिए, ठीक है, चार नए कॉलम्स ऐड कर दिए, और फ़र्ज़ करो को जी उस यूज़र ग्रुप को उन चार नए जो एडेड कॉलम्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मसला नहीं। अब आपके वो जो यूज़र है वो इफेक्टेड नहीं होगा, उससे उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, वो स्टिल अपना व्यू एक्सेस कर रहा होगा, हालांकि आपने स्ट्रक्चर में चेंज किया लेकिन वो चेंज उधर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और आप ये देखें कि जितनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बने होंगे और जिसमें उस व्यू का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो इट मीन्स यू डोंट नीड टू मॉडिफाई दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब वो सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम उसी व्यू के ऊपर बेस कर रहे हैं, उनमें वही फील्ड्स डिस्प्ले हो रही हैं जो उससे पहले थी, चार नए कॉलम्स बेशक उसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। मसलन फर्ज करें उस स्टाफ के टेबल में से हमने तीन कॉलम्स डिलीट कर दिए, कोई जो कि कम होता है, रेयर होता है, मैंने बताया कि मतलब जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सिचुएशंस कम होती हैं, ठीक है, कि मसलन आपका ऐसा नहीं होता कि जो है आपके बहुत ज़्यादा वो जो आपका डेफिनेशन है उसके अंदर चेंज फ्रीक्वेंट नहीं होता, रेयर होता है, ठीक है। डाटा में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इंसर्ट होती हैं, रोज़ अपडेट होती हैं, डिलीट होती हैं एंड सो ऑन, लेकिन आपका जो डेफिनेशन है अगर उसमें चेंज हो, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड होता है, तो यू ऑलवेज अवॉइड
चेंजिंग द डेफिनेशंस फ्रीक्वेंटली, राइट? अच्छा, तो अच्छा फ़र्ज करें मसलन डाटा इंडिपेंडेंस की एक और एग्जांपल, मैं मसलन मैंने बता दिया नया कॉलम ऐड हो गया, उस व्यू में नहीं चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिलीट कर दिया वो उस व्यू में नहीं था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी एप्लीकेशन उसके ऊपर बेस कर रही थी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन स्टिल हाँ, अगर ये है कि अगर आपने नए कॉलम ऐड करवाए और अब जो है आपको वो कॉलम उसको भी दिखाने हैं, यूज़र ग्रुप को भी उस व्यू में भी, तो फिर थोड़ा सा है कि आपको उसको वो एट्रीब्यूट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा व्यू, अदरवाइज इशू है। या फर्ज करें आपका एक टेबल मतलब मल्टीपल टेबल में से क्यूरी आ रही थी, ठीक है, तो ये भी मतलब, या फर्ज करें कि एक टेबल था उसको स्प्लिट कर दिया दो टेबल्स में, तो अब यूज़र के लिए हमें फिर जो है हम जो है वो फिर व्यू को रीडिफाइन कर देंगे, ठीक है, मतलब स्टिल उसको वही व्यू देंगे लेकिन हम जो है हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हम बेशक हुआ है लेकिन स्टिल हम उसको व्यू में जस्ट उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे, रीडिफाइन कर देंगे, तो स्टिल इट विल वर्क। तो मतलब ये आपको डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात करेंसी की है कि जी आपके जितने भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कि बेस टेबल में कोई चेंज हुआ तो वो आपके व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और व्यू में कुछ चेंजेस किए तो वो बेस टेबल में, डिपेंड्स कि अगर वो व्यू आपका अपडेटेबल है या नहीं। तीसरी चीज़ इंप्रूव्ड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है, बड़ा मतलब मैंने बार बार इस चीज़ को जिक्र किया है कि देखें सिक्योरिटी मतलब जब आप एक्चुअल टेबल तक एक्सेस दे ही नहीं रहे, यूज़र को तो उस व्यू तक एक्सेस दे रहे हैं, तो वो उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को कि एक्चुअली कितने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के अंदर, प्राइमरी कीज़ क्या है, फॉरेन कीज़ क्या है, एंड सो ऑन। तो मतलब वो इतनी आसानी से जो है वो कोई मसाइल पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक्चुअल चीज़ आपने छुपा के रखी हुई है उससे। रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी, व्यूज़ जो है एक और काम जो करते हैं कि वो कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, मीन्स कि आपकी बाज़ूकत बहुत कम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं लेकिन आप ख़ुद वो क्यूरीज लगा के आप तो यूज़र को जस्ट वो एक व्यू तक एक्सेस दे रहे होते हैं, और वो व्यू हो सकता है छः टेबल्स में से और मुख्तलिफ सर्टन कंडीशंस लगा के वो व्यू आप उसको दिखा रहे हो, तो मतलब उससे तो ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं, उससे उसके सामने नहीं होती, वो तो जस्ट एक सिंपल शायद वो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, और बाकी जो काम होना है वो आपने उस व्यू में डिफाइन किया हुआ है। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस इन द सेंस के जी मतलब यूज़र कम्प्लेक्सिटी से बच जाता है, उसको वो जो कम्प्लेक्सिटी है उसकी आसानी आपने पैदा कर दी ना, आपने अगर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी थी, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने मल्टीपल टेबल्स में से डाटा लेके आना था, आपने सारा वो व्यू के अंदर डिफाइन कर दिया, आप यूज़र ने सिंपल कमांड्स देनी है, उसके लिए कन्वीनियंस है, ठीक है। कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन में जैसे हमने कहा था जी कि आपके टेबल में कॉलम के नाम जो मर्जी हों, आप व्यू के अंदर अपनी मर्जी के उनके नाम डिफाइन कर सकते हैं, तो वही जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक व्यू में कुछ और तरह से आपने उसका नेमिंग कर दिया है, कोई एक्सप्रेशंस यूज़ करके कुछ और कर दिया है, तो मतलब आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जैसा भी आप उस यूज़र को जिस तरह भी दिखाना चाह रहे हैं। डाटा इंटीग्रिटी आपकी, कि मतलब किसी किस्म की जो वायलेशंस हैं अगर व्यू के ऊपर आपने लगाई हुई है विद चेक ऑप्शन या जिस किस्म की भी, और मतलब जैसी जनरल कॉन्स्टेंट्स, तो वो सारे ही जो आपके मतलब वो जो इंटीग्रिटी इन्हेंसमेंट फीचर के अंदर हैं वो तो सारे वो वायलेट तो होने ही नहीं देगा, क्योंकि अगेन इट्स अ रिलेशन, व्यू भी एक रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये बेनिफिट्स में आती हैं व्यूज़ के बेनिफिट के हवाले से बात करें तो। अब हर चीज़ के जैसे कुछ फ़ायदे होते हैं तो फिर कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह व्यूज़ के भी कुछ फ़ायदे अगर हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। जो पहला इसका नुकसान या जो इसमें हमें लिमिटेशन नज़र आती है वो ये है कि अपडेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, कि व्यू के थ्रू अपडेट करना चाहते हैं और हमने बड़ी डिटेल से देखा कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और कब एक व्यू जो होगा वो अपडेटेबल होगा, हर एक व्यू अपडेटेबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये पहली चीज़ है कि ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम जिस तरह एक टेबल पे सिंपली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सादे मतलब जो हमें जिस तरह दिल करता है एज सच, उस तरह व्यू के केस में हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं है, हमें पहले कंडीशन सारी बड़ी केयरफुली देखनी पड़ेंगी कि वो व्यू अपडेटेबल है या नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन की, कि जी हम व्यू का जो है वो स्ट्रक्चर जो है हम किस किस्म का वो डिफ़ाइन करते हैं उस हवाले से भी, कि मतलब उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि व्यू के अंदर क्या हो सकता है, व्यू के अंदर क्या नहीं हो सकता, एंड सो ऑन, उसके हवाले से भी कुछ हमारी इश्यूज़ हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस इस तरह के, जैसे आप ये देखें कि हमने व्यू रेजोल्यूशन में कवर किया था कि जो आप मतलब एक यूजर ग्रुप या एक पर्टिकुलर यूजर जब व्यू को एक्सेस करता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैनेजर 3 स्टाफ व्यू करता है, तो अब ये क्यूरी ट्रांसलेट होती है इक्विवेलेंट वो जो सोर्स टेबल है उसके कॉलम्स और जो फ्रॉम क्लास था उधर का, जैसे वो हमने पूरे स्टेप्स व्यू रेजोल्यूशन के एक एग्जांपल के हवाले से कवर किए थे. तो अब कीप इन माइंड के दिस टेक्स टाइम प्लस रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर के रिसोर्सेज ना, मतलब आपके वो क्यूरी को ट्रांसलेट करना, फिर प्रोसेसिंग टाइम एंड सो ऑन. तो मतलब इट एड्स टू सम ओवरहेड, ठीक है जी, ये आपका कुछ ओवरहेड बढ़ जाता है. और ये आम हालात में तो शायद ना हो कि मसलन जहाँ पे एक ही यूज़र है या चंद एक यूज़र्स हैं और आपके जो व्यू है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है, एक सिंपल टेबल एक से ही आ रही हैं आपकी सारे कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं. लेकिन जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ मल्टी यूज़र एनवायरमेंट जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, मे बी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, प्लस जो आपका व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, उनमें से मल्टीपल टेबल्स में से वो व्यू डाटा लेके आ रहा है. तो देन आप ये सोच सकते हैं कि फिर आपकी जो व्यू की एक्सेस है वो हो सकता है उधर फिर आपको परफॉर्मेंस का इशू नज़र आए कि आपने वो जो व्यू को एक्सेस किया तो वो फिर बड़ा टाइम लगा रहा है. वो टाइम क्यों लगाएगा कि वो ट्रांसलेट करेगा, मल्टीपल टेबल्स हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स देखेगा एंड सो ऑन. मतलब फिर सिस्टम रिसोर्सेज भी शायद बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर हो रहे हैं, तो देन इट कुड बेसिकली मतलब परफॉर्मेंस वाइज आपका फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो मतलब ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो है व्यूज़ के हवाले से हम बात करें. लेकिन इसका एक सोल्यूशन जो है हम अगले जो है टॉपिक में एक कवर करने जा रहे हैं कि बजाय ये कि हर दफ़ा वो क्यूरी ट्रांसलेट हो इक्विवेलेंट क्यूरी के अंदर जो सोर्स टेबल में से है जो व्यू रेजोल्यूशन में हो रहा था, तो हम कोई इसका क्यों ना कोई और तरीका निकालें, कुछ और बेहतर तरीका जो है इस्तेमाल करें जिसका शायद अपने कुछ और मतलब डिसएडवांटेजेस हों लेकिन हमारी एक्सेस जो है वो फास्टर हो. ठीक है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ओके, जो अगला हमारा टॉपिक है वो वही है जैसे मैंने डिस्कस किया कि अब जो व्यूज़ होते हैं, फ़र्ज़ करें अगर एक व्यू है वो बार बार एक्सेस हो रहा है और जैसे मैंने बताया कि सपोज़ वो व्यू था वो बड़ा कम्प्लेक्स किस्म की, उसमें डिफाइनिंग क्यूरी लगी है, मल्टीपल टेबल्स में से डाटा आ रहा है एंड यू आर वर्किंग इन अ एनवायरनमेंट दैट इज़ बेसिकली अ मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट. देन मतलब अब इस किस्म के सिनेरियो में आप परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, तो फिर तो मसला होगा. व्यू रेजोल्यूशन तो टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कम्प्लेक्स क्यूरी है, यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा है, सिस्टम भी ओवरबर्डन है, उसने बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफ़िल करना है. तो अब इस सूरत में हमारी व्यू रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो काम सही प्रॉपरली नहीं करेगा. व्यू रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स एडिशनल रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, इट मे बी स्लो एंड पर्टिकुलरली इफ़ द व्यू इज़ एक्सेस्ड frequently then there are certain problems, right? Then there is a mechanism that is called view materialization that stores view as a temporary table when the view is first queried. मसलन जब आप view create करते हो ना और जब आप उसको जो है व्यू रेजोल्यूशन नहीं व्यू मटेरियलाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू क्रिएट करते हो, तो अब जब फर्स्ट टाइम वो डिफाइनिंग क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ना तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो टेम्परेरी एक टेबल क्रिएट कर देगा. लेकिन हमने पहले कहा था कि जो व्यू है उसका एक्चुअली डाटा अपना नहीं होता, वो उधर से लेके आ रहा होता है, तो इधर जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका एक अलग से टेम्परेरी टेबल बना लेगा. ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस टेम्परेरी टेबल का फ़ायदा ये होगा कि आप बजाय हर दफ़ा उसको फिर क्यूरी बेस टेबल में से करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टेबल में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको, तो मतलब आपका वो जो डिले आ रहा था वो टाइम के हवाले से या जो एडिशनल रिसोर्सेज आपके इस्तेमाल हो रहे थे वो अब नहीं होगा. अच्छा, अब जितनी भी दोबारा अब एक्सेस होगी वो इस व्यू की, वो अब दोबारा क्यूरीज वो जो व्यू रेजोल्यूशन के थ्रू वो सारा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो नहीं होगा, अब वो एक्चुअली इस टेम्परेरी टेबल में से डाटा उठा लेगा. ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक और इशू आ जाता है. इसके अंदर अगला इशू क्या आ जाता है भाई, ये एक मसला तो हल हो गया हमारा कि जी आपका जो डाटा है
वो तो टेम्परेरली आपने एक टेबल में रख लिया, और अब हर दफा वो आप बेस टेबल में से दोबारा क्यूरी करके नहीं ला रहे जब भी व्यू को एक्सेस किया जा रहा है। लेकिन इसमें इशू क्या आ गया कि जी फर्ज करो जी बेस टेबल में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, नई रोज ऐड हो जाती हैं, वो भी अब उस व्यू में नजर आनी चाहिए, वो कैसे उस टेम्परेरी टेबल में आए? हमने तो कहा जी कि क्यूरी तो एक दफा एग्जीक्यूट होगी जब आपका शुरू में, और वो डाटा जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसने टेम्परेरी टेबल में रख लिया, लेकिन वो जो नई रोज ऐड हुई हैं वो किस तरह इसमें आप नजर आए इस टेम्परेरी टेबल में, ये एक थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो जो इसकी करेंसी जो टर्म है, करेंसी से मीन्स के वो जो अपडेट, बिल्कुल जो जो चेंजेस नए मॉडिफिकेशंस हुई हैं बेस टेबल में, वो भी रिफ्लेक्ट कैसे हो, वो जो है वो थोड़े से इशू वाला मामला है। और इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो डाटा जो है व्यू मेंटेनेंस यूज़ होती है, कि जी हम व्यू मटेरियलाइजेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो व्यू मेंटेन कैसे रखा जाए, अपडेट अप टू डेट कैसे रखा जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं जी, व्यू मेंटेनेंस एम्स टू अप्लाई ओनली दोज चेंजेस नेसेसरी टू कीप व्यू करंट। ठीक है, कि मसलन जी आपने फर्ज करो कि आपकी अब मतलब इसमें जो अब प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि जी फर्ज करो कि अगर अब कोई भी ऐसे चेंजेस बेस टेबल में होते हैं जो कि व्यू में नजर आने चाहिए, तो अब कैसे वो उस जो है आपके जो टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुआ है वो, क्योंकि बार बार तो आपकी क्यूरी ट्रांसलेट नहीं होगी बेस टेबल के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा, मसलन फर्ज करें वही वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। हम कहते हैं क्रिएट व्यू स्टाफ प्रॉप रेंट। अच्छा, एक और व्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, इसकी एक ही फील्ड है स्टाफ नंबर एज, और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, और वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003 एंड रेंट इज ग्रेटर देन 400। तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से हम सिर्फ स्टाफ नंबर ले रहे हैं जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एक ही फील्ड, लेकिन जिनकी ब्रांच B003 है, और जिस प्रॉपर्टी वो वाली सिलेक्ट हो रही है जिसकी, मतलब एक तो पहली बात है ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हैंडल कौन से स्टाफ मेंबर्स कर रहे हैं, ब्रांच B003 वाले, और दूसरी खास बात यह कि उस जो प्रॉपर्टीज जो भी वो हैंडल कर रहे हैं उनकी, उनका जो रेंट है दैट इज ग्रेटर देन 400। ठीक है जी, तो व्यू आप जरा प्लीज प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाला टेबल अपने सामने रखें, आप देखें कि जी कितने स्टाफ मेंबर्स हैं जो इस कंडीशन पे, या कितनी ऐसी रोज हैं उस टेबल की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और कीप इन माइंड डिस्टिंक्ट को नहीं भूलना कि अगर एक स्टाफ मेंबर दो प्रॉपर्टीज को भी हैंडल कर रहा है जिसका रेंट 400 से ज्यादा है, स्टिल वो एक दफा आएगा, वो दो दफा नहीं आएगा। तो इट मींस हर एक स्टाफ मेंबर की एक जो है वो आएगी आपकी अक्रेंस इस व्यू के अंदर। ठीक है, ओके, तो ये इसका रिजल्ट है। तो इट मींस के SG37 वो गो के दो प्रॉपर्टीज ऐसी मैनेज कर रहा था जो जो 400 से ज्यादा थी, लेकिन जस्ट एक दफा आया। SG14 भी एक दफा आया है। ठीक है, तो मतलब इसको जरा प्लीज अगर टेबल में से देख लें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज हुआ था तो इसलिए सिर्फ रिपीटिशन नहीं आएगी स्टाफ नंबर की। ठीक है, अच्छा, ये अब व्यू है आपका। ठीक है, अब हम व्यू मेंटेनेंस को जरा इशू उसके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या इशूज हैं। अच्छा, सपोज अब बेस टेबल में हमको इंसर्ट करते हैं रो, फर्ज करो जी इफ इंसर्ट रो इन टू प्रॉपर्टी फॉर रेंट विद रेंट लेस देन इक्वल टू 400। मतलब हम कोई भी ऐसी रो प्रॉपर्टी फॉर रेंट, एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी जो रेंट की कीमत है दैट इज लेस देन इक्वल टू 400, ब्रांच नंबर बेशक इररिस्पेक्टिव ब्रांच चाहे B003 है, जिसकी रेंट जो है दैट इज लेस देन 400, इट मींस के इस रो का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए व्यू के ऊपर, क्योंकि व्यू में तो ये नहीं आनी। नहीं मसला जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन सपोज इफ वो इंसर्ट रो फॉर प्रॉपर्टी PG24 एट ब्रांच B003, हमने जो है एक प्रॉपर्टी PG24 जिसकी ब्रांच नंबर B003, स्टाफ नंबर इसका SG19 है और रेंट 550 है। अब मुझे ये बताएं कि ये रो व्यू में अपीयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, डेफिनेटली। दो कंडीशंस हैं जी, कंडीशन क्या है, B003 ब्रांच भी है, रेंट भी ग्रेटर देन 400 है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो सॉरी स्टाफ मेंबर है वो तो नहीं हैंडल कर रहा, जैसे SG37 है या दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका SG14 है, तो ये SG19 है, तो इट मींस कि ये डिस्टिंक्ट है, उनसे डिफरेंट स्टाफ मेंबर है,
तो इट मीन्स दिस रो शुड बी अपियर इन मटेरियलाइज्ड व्यू, ठीक है, तो उधर आना चाहिए इसको, अब इशू है. अच्छा, इसी तरह सपोज इफ वी इंसर्ट अ रो फॉर प्रॉपर्टी PG54, एक PG54 हम इंसर्ट कर रहे हैं, B003 ब्रांच नंबर है, स्टाफ नंबर ST37 है, रेंट 450 है. हाँ जी, अब क्या होगा, ये रो आएगी नहीं आएगी, क्यों, के बाकी कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई हो रही है, ब्रांच भी ठीक है जी, B003 है, रेंट भी 450 से ज्यादा है, लेकिन इसका स्टाफ मेंबर देखें वो कौन है, SG37, तो SG37 एक दफा ऑलरेडी मौजूद है उधर, अब ये तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब ये मटेरियलाइज्ड व्यू में जो है नहीं ऐड हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा व्यू इस तरह से डिफाइंड है. अच्छा, इसी तरह देखें जी, हम डिलीट करते हैं प्रॉपर्टी PG24 रो फ्रॉम द बेस टेबल. तो अब PG24 जरा देखें ना, उसका SG19 था, स्टाफ नंबर और ब्रांच B003 और रेंट भी 550 से ज्यादा था, तो जब बेस टेबल से डिलीट होगी तो इट मींस इसको मटेरियलाइज्ड व्यू से भी डिलीट हो जाना चाहिए. लेकिन सपोज अगर PG54 जो है प्रॉपर्टी हम डिलीट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बेस टेबल, तो अब क्या जी, PG37 सॉरी देन द रो फॉर द SG37 शुड नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द मटेरियलाइज्ड व्यू. क्यों, क्योंकि ये रो तो ऐड ही नहीं हुई थी, वो इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी ऐसी मैनेज कर रहा है जिसका रेंट भी ज्यादा है और ये B003 में चुके काम करता है. तो मतलब ये अब कुछ इश्यूज हैं जो कि आपके इस व्यू मेंटेनेंस के हवाले से होते हैं, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कि जी आपने जो है वो इस किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है व्यू मटेरियलाइजेशन के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज लेक्चर, और हम देख लेते हैं, हम समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की. आज हमने बड़ी डिटेल से व्यू अपडेटेबिलिटी को डिस्कस किया कि कौन से ऐसे व्यूज़ हो सकते हैं जिनके थ्रू हम किसी किस्म के कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व हैं, और कौन सा ऐसी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई किया जाए तो वो व्यू अपडेटेबल होगा. हमने ISO की कुछ सर्टन कंडीशंस को भी देखा और इस कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी डिटेल के साथ सर्टन सिनेरियोज को फॉलो करते हुए हमने समझने की कोशिश की. फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्यूज को बड़ी डिटेल के साथ देखा कि जी उसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं. हमने वन बाय वन काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, फिर हमने डिसएडवांटेजेस की भी बात की, और फाइनली हमने व्यू मटेरियलाइजेशन जो कि व्यू रेजोल्यूशन के जो है अपोजिट एक टेक्निक है, थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसके भी कुछ अपने इश्यूज हैं व्यू मेंटेनेंस के हवाले से, वो भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए. तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे. खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.